हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज आई है। जो अक्टूबर मंथ में जो एग्जाम होने वाले थे, जो 3 एग्जाम कंडक्ट कराने वाला था RSMSSB, वो उन सभी एग्जामों को पोस्टपोन कर रहा है, जैसा कि पहले निर्धारित तिथि के अंदर बताया गया था। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर लिखा गया है कि ये देखिए आज की न्यूज है 11 सितम्बर 2020। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा माह अक्टूबर 2020 में आयोजित परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम दिनांक 26/6/2020 को निम्नानुसार घोषित किया गया था। जिसका टाइम टेबल था वो देखो 26/6/2020 को घोषित किया गया था, जिसके अंदर पहला जो एग्जाम होने वाला था फार्मासिस्ट ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का, जो 4 अक्टूबर 2020 को होने वाला था, और सेकेंड अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 जिसका एग्जाम 10 अक्टूबर 2020 को होने वाला था, और कनिष्ठ अनुदेशक यानी कार्यशाला गणना एवं विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2018 जिसका एग्जाम 11 अक्टूबर 2020 को होने वाला था। ये तीनों ही एग्जाम अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जिसका कारण ये रहा है कि माह अक्टूबर 2020 में राजस्थान की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षा कार्यक्रम घोषित होने के कारण बोर्ड द्वारा माह अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित उक्त भर्ती परीक्षाएं स्थगित की जाती है। यानी जो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, उनके ध्यान में रखते हुए इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। स्थगित परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में तिथि बाद में घोषित की जाएगी। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से अवलोकन करें। तो देखा स्टूडेंट, जिन विद्यार्थियों के एग्जाम अक्टूबर माह में होने वाले थे, जिन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट्स के फॉर्म भरे हुए थे, उनके एग्जाम अब पोस्टपोन हो चुके हैं। पंचायती राज के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।